हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी है जिसको हम लोग देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बंदर और क्रोकोडाइल के बीच की स्टोरी है जिसको हम लोग देखेंगे। वंस, एक समय, अ मंकी एंड अ क्रोकोडाइल वर फ्रेंड्स, एक बंदर और एक मगरमच्छ दोस्त थे। द क्रोकोडाइल मदर, क्रोकोडाइल की माँ, एपोस्ट्रोफरेस का मतलब होता है का, क्रोकोडाइल की माँ, हु रेलिस द मंकीज हर्ट, जो रेलिस मतलब होता है पसंद करना, तो पसंद करती थी मंकीज हर्ट मतलब बंदर का जो दिल होता है हार्ट उसको पसंद करती थी, तो पसंद करती इन द सेंस की खाना पसंद करती थी। आस्क हिम टू गेट वन, आस्क हिम मतलब जो क्रोकोडाइल की मदर थी उसने हिम यहाँ है क्रोकोडाइल के लिए, क्रोकोडाइल से कहा टू गेट वन मतलब लाने के लिए, वन मतलब एक हार्ट, बंदर का हार्ट लाने के लिए क्रोकोडाइल की माँ ने क्रोकोडाइल को बोला। द क्रोकोडाइल सेड टू द मंकी, फ्रूट्स ऑन द आइलैंड आर राइप, क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ ने बंदर से कहा क्या, फ्रूट्स ऑन द आइलैंड आर राइप, जो फ्रूट्स हैं जो फल हैं आइलैंड पर, आइलैंड होता है जो द्वीप होता है पानी के बीच में जो होता है एक जमीन का हिस्सा जिसको आइलैंड बोला जाता है, आर राइप मतलब पके हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं। आई कैन टेक यू देयर, मैं ले जा सकता हूँ तुम्हें वहाँ, ठीक है। द मंकीज माउथ वाटर्ड, मंकी का एपोस्ट्रोफरेस है तो मंकी का जो मुंह था उसमें पानी आ गया, वाटर मतलब होता है पानी आ जाने या भर के रूप में है, तो मंकी के मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। ही स्प्रैंग ऑन द क्रोकोडाइल्स बैक एंड ऑफ दे वेंट टुवार्ड्स द आइलैंड। स्प्रैंग ऑन, स्प्रिंग मतलब होता है कूदना, स्प्रैंग मतलब होता है कूदा, उसने कूदा या वह कूदा कहाँ, वह किसके लिए आ रहा है तो बंदर के लिए आ रहा है, तो कूदा क्रोकोडाइल के बैक पर मतलब क्रोकोडाइल का पीठ पे, मगरमच्छ के पीठ पर कूदकर कूदा। एंड ऑफ दे वेंट टू वार्ड द आइलैंड, और दे गो अप मतलब वे चल दिए टूवार्ड्स की तरफ आइलैंड मतलब वे द्वीप की तरफ चल दिए। मिड वे बीच रास्ते में, कॉमा है, द क्रोकोडाइल रिवील्ड, रिवील मतलब होता है किसी बात को उजागर करना, कोई बात जो आप छुपाए हुए उसको बताना, तो रिवील्ड, तो मगरमच्छ ने रिवील किया मतलब उजागर किया बताया गुप्त बात को। माई मदर वांट्स टू ईट योर हार्ट एंड आई एम टेकिंग टू यू टू हर, मेरी माँ चाहती है खाना तुम्हारे हार्ट को मतलब तुम्हारे दिल को खाना चाहती है, एंड और आई एम टेकिंग यू, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ कहाँ पर, टू हर उनके पास। ये किसने कहा, मगरमच्छ ने बोला। द मंकी केप्ट हिज कूल, मंकी जो था बंदर जो था, केप्ट हिज कूल का मतलब होता है अपने आप को संयम में रखा मतलब पैनिक नहीं हुआ, मतलब होता है कि इस तरह का बात सुनकर पैनिक हो जाना, तो पैनिक नहीं हुआ, वो अपने आप पर संयम रखा, उसने कुछ बोला, ओह बट आई लेफ्ट माई हार्ट इन द ट्री, उसने बोला ओह ये बात है, लेकिन आई लेफ्ट माई हार्ट, मैंने लीव का लेफ्ट होता है छोड़ दिया, मैंने अपने हार्ट को छोड़ दिया कहाँ, इन द ट्री पेड़ पर, पेड़ पर मैंने अपने दिल को छोड़ दिया है वहीं पर। यू विल हैव टू टेक मी बैक टू गेट इट, और तुम्हें मुझे ले जाना होगा वापस, क्या करने के लिए, टू गेट इट, इसे लाने के लिए, इट किसके लिए आया है, हार्ट के लिए। सेड द क्विक विटेड मंकी, जो क्विक विटेड का मतलब होता है जो बहुत जल्दी कोई चीज अच्छा चीज सोच लेता है, मतलब बहुत चतुर, तो बहुत चतुर जो था बंदर ने ये बात बोली। द फुलिश क्रोकोडाइल स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स द रिवर बैंक, जो मूर्ख क्रोकोडाइल था मगरमच्छ था, शुरू कर दिया वापस आना शुरू कर दिया कहाँ, टुवर्ड्स द रिवर बैंक, जो नदी का तट था उसके तरफ आना शुरू कर दिया। अब देखिए, नो सूनर देन
ही रीच देयर द मंकी जम्प्ड ऑन टू द शोर एंड केपर्ड अप द ट्री टू सेफ्टी। ज्यो ही नो सुनर देन का मतलब होता है ज्यो ही रीच देयर, ही मतलब हो गया क्रोकोडाइल के लिए, वह कहाँ, देयर का मतलब हो गया रिवर बैंक पर, नदी के तट पर जैसे ही पहुंचा या ज्यो ही पहुंचा, बंदर जो क्या था जम्प्ड कर गया, मतलब उछल कर शोर पर आ गया, मतलब तट पर आ गया, उछल कर तट पर आ गया। एंड केपर, केपर मतलब था उछल कर, तो यहाँ केपर अप है तो उछल कर क्या किया, केपर अप द ट्री, उछल कर चढ़ गया किस लिए, टू सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए क्या हुआ, पेड़ पर उछल कर चढ़ गया। तो यही आज की स्टोरी थी। अब देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलता है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीमा होता है और लगातार चलता है वही क्या करता है रेस को जीतता है। तो इसमें कहने का सेंस ये है कि अगर खराब परिस्थिति भी है तो अपने आप को थोड़ा संयम से रखिए और पैनिक मत होइए, तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो यही आज की स्टोरी थी। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। थैंक यू सो मच।